हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे। यू कैंट क्रॉस अ सी मेयरली बाय स्टैंडिंग एंड स्टेयरिंग एट वाटर, यानी कि आप कोई भी नदी है, समंदर है, वो आप केवल वहाँ एक जगह पे खड़े रहकर उस समंदर किनारे, उस नदी किनारे खड़े रह के उसको घूरते हुए तो नहीं कर सकते ना पार। आपको उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा, एक्टिव मोड में आना पड़ेगा, राइट। आप स्टैंड स्टिल होके सिर्फ विचारों के जरिए आप नदी पार नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही सेम चीज़ हमारी लाइफ के किसी भी गोल के लिए होता है। हम रोज़ प्लानिंग करते हैं कि हम इस दिन में इतना चैप्टर कर लेंगे, ये कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। फिर सपने भी देखते हैं कि अगर मैं ये SSC का एग्ज़ाम क्वालिफाई करता हूँ तो मैं अपना बढ़िया सा घर बनाऊँगा, या अपनी बढ़िया सी कार लूँगा, या फिर ये करूँगा, या फिर वो करूँगा, या मैं फलाने बंदे से तो मैं मुँह भी नहीं लगाऊँगा, उससे तो मैं कभी पैसे मांगूंगा तक नहीं। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, या फिर इससे मैंने पैसे लिए, किसने मेरे को इतना सुना दिया, मैं इसके मुंह पे पैसे मारूंगा, एक बारी मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाने दो, ये सब चीज़ें सोचते हैं। लेकिन क्या इन ख्याली पुलावों से हमारा गवर्नमेंट जॉब क्वालिफाई हो पाएगा? नहीं ना। उसके लिए हमें एक्शन लेना पड़ेगा, राइट। तो हमेशा ज़्यादा सोच विचार करके, ज़्यादा बोलने से और एक जगह खड़े रहने से बजाय कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करते रहिए लाइफ में, ठीक है। सेशन स्टार्ट करने से पहले कई सारे बच्चों ने सवाल पूछा है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में उनकी अभी भी ग्रिप नहीं बन रही है, तो क्या करें? देखो बच्चे, सबसे पहली चीज़ है आपने क्वेश्चंस पढ़ने हैं, ठीक है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तब आपने पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं, उसके कीवर्ड्स जो हैं वो आपने हाईलाइट करके फिर आपने पैसेज पढ़ना है अपना, ठीक है। दूसरी चीज़, कई सारे बच्चे बोल रहे हैं पैरा जंबल में प्रॉब्लम आ रही है, तो पैरा जंबल एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए दो आपको चीज़ें ज़रूरी हैं। फर्स्ट, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। सेकेंड थिंग, आपको जो है समझ में आना चाहिए, इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मतलब आपको बेसिक जो वो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है वो पता होना चाहिए। अब क्या होता है कि पैरा जंबल के जो क्वेश्चंस हैं, मैंने पहले भी आपको सेशंस में कई में बताया है, जैसे सपोज करो कोई पैराग्राफ है उसमें राम इज अ नाइस मैन, ठीक है। यहाँ पे राम क्या है, एक नाउन है। कॉमन सा हमारा जनरल इंग्लिश का ज्ञान है, ये जो इंग्लिश के बेसिक्स हैं उनमें सिखाया जाता है नाउन प्रोनाउन। अब उसी के आगे कुछ लाइन है, ही इज वर्किंग इन अ लाइब्रेरी, स्टेट लाइब्रेरी, ठीक है, वर्किंग इन स्टेट लाइब्रेरी। तो अब ही क्या हो गया, ही एक प्रोनाउन हो गया, तो हमें पता है कि कोई भी स्टेटमेंट जिसमें प्रोनाउन है उसके लिए पहले नाउन का आना जरूरी है, तभी प्रोनाउन आएगा। तो हमें ये तो पता चल गया कि राम स्टेटमेंट पहले आएगी और ही वाले स्टेटमेंट बाद में आएगी। इसी तरीके से आपको लिंक बनाने हैं। अब किसी चीज का इंट्रोडक्शन किया गया है, जैसे आप सपोज करो अब ये RC लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे तो RC चलो शॉर्ट के लिख दिया, लेकिन जब आप कोई पैसेज इंट्रोड्यूस करेंगे तो पहले आप पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बताएंगे, तब उस बच्चे को आपको पता चल जाएगा ना कि RC मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जहाँ पे फुल फॉर्म दी गई है वो फर्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए, RC वाला जो है वो सेकेंड या उसके बाद का जो भी सीक्वेंस बन रहा हो वो स्टेटमेंट होना चाहिए। इसके बाद में कोई स्टेटमेंट एंड से खत्म हो रहा है तो एंड मतलब आगे कोई मिसिंग स्टेटमेंट होगा, ठीक है। तो हमें देखना है एंड से पहले वाला स्टेटमेंट क्या कोई पॉजिटिव थॉट था, तो एंड के बाद वाला स्टेटमेंट भी पॉजिटिव थॉट होगा। एज वेल एज लिखा हुआ है, यानी कि आगे मिसिंग स्टेटमेंट होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको बेसिक जो चीज़ें हैं वो कंसेप्ट क्लैरिटी बनानी पड़ेगी, उसके बाद ही आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ईजी होगा। हर एक पैरा जंबल के क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक्स बताई जाती हैं, ये नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब यही सब शॉर्ट ट्रिक्स हैं, कनेक्टिंग वर्ड्स, हेल्पिंग वर्ब्स, यही सब शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, इसके अलावा कोई अलग से शॉर्ट ट्रिक नहीं होती। यहीं से हमारे कई सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं और उस एलिमिनेशन के बेसिस पे बाकी चीज़ें ईजी हो जाती हैं, ठीक है। मतलब हमारे पास या तो एक आंसर आ जाएगा या फिर दो ऑप्शन रह जाएंगे, उन दो ऑप्शन में से एक सिलेक्ट करना फिर ईजी हो जाता है, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर SSC CGL मीन्स। एट द एंड ऑफ द विक्टोरियस कैंपेन एट एशिया कप हुज इम्पोर्टेंस टू दिस इंडियन टीम कैंट बी अंडरस्टेटेड, बोल रहे हैं जब ये जो विक्टोरियस यानी कि जीतने वाला विजयी जो कैंपेन है वो खत्म हुआ, उसके अंत में कहाँ पे हुआ ये विजयी कैंपेन, एशिया कप फाइनल्स में,
जिसकी इम्पोर्टेंस इंडिया की ये जो टीम है ये अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकती, इसको कम नहीं आंका जा सकता। एशिया कप को ये नहीं बोला जा सकता कि ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट गेम नहीं है, बिकॉज एशिया की टॉप टीम्स इसमें खेल रही हैं जो कि वर्ल्ड कप में भी खेलेंगी। अगर आपने इन टीम्स को यहाँ पर हराया है दैट मीन्स आपकी प्रैक्टिस या आपको एक्सपीरियंस है इन टीम्स के साथ खेलने का, आपको पता है वो उनके कौन से बॉलर कितनी लाइन एंड लेंथ पे बॉलिंग कर रहे हैं, कौन से बैट्समैन उनके किस स्पेस पे खेल रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपको पता है, ठीक है, अनलेस ज़्यादा चेंजेस ना हो जाए। तो केम अ रिवीलिंग साउंड बाइट फ्रॉम कैप्टन रोहित शर्मा, और ये कहाँ से पता चला, ये साफ प्रकट हुआ जो रोहित शर्मा का जो होता है ना, कैप्टन्स को बुलाया जाता है एंड में स्पीच देने के लिए कि कैसा था मैच, क्या उनको डिफिकल्टीज आई, कैसे उनकी टीम ने प्ले करा, तो उसका जो साउंड बाइट मतलब छोटा सा हिस्सा था जिसके अंदर पूरा संक्षिप्त में सारी बात को कहा गया हो, उस हिस्से से ये पता चला। ही टॉक्ड अबाउट द पोटेंशियल ऑफ आर अश्विन प्लेइंग इन द सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने इस बारे में बात करी कि आर अश्विन जो कि अगली ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो सीरीज होने वाली है उनके अंदर क्या क्षमता है और क्या इम्पोर्टेंस है उनकी इंडियन टीम में। समवन हु वॉजंट पिक्ड इन द वर्ल्ड कप स्क्वाड, और ये ऐसे प्लेयर हैं जिनको वर्ल्ड कप के लिए नहीं चूज किया गया था, सिलेक्ट नहीं किया गया था। इट शोज दैट रोहित इजंट गेटिंग कैरिड अवे बाय सक्सेस इन द टीयर ड्रॉप शेप्ड आइलैंड, इससे साफ जाहिर होता है कि रोहित जो है इस जो उनको विक्ट्री मिली है एशिया कप में, और कहाँ हुआ था एशिया कप, श्रीलंका में, और श्रीलंका के शेप वो बता रहे हैं कि आंसू के आकार की उसकी शेप है, तो इस आइलैंड में यानी कि श्रीलंका में इस विक्ट्री के बाद में रोहित शर्मा ऐसा नहीं है कि हवा में उड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो अपनी ग्राउंड रियलिटी जानते हैं। He realizes the imbalance in the squad and its possible pitfalls. उनको पता है कि इस वक्त उनकी टीम में असंतुलन है और उसके possible pitfalls मतलब जोखिम भी हैं, जुड़े हुए से जोखिम भी हैं। The Asia Cup must have provided breathing space to the management to do a rethink. तो Asia Cup ने जो टीम की मैनेजमेंट है, जाहिर सी बात है मैनेजमेंट ही डिसाइड करती है कौन से प्लेयर्स को लेना चाहिए कौन से को नहीं लेना चाहिए, हालांकि इसमें कई बार पक्षपात के आरोप भी लगते हैं, बट स्टिल मैनेजमेंट ही डिसाइड करती है कि किस प्लेयर को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इसको आउट करना है, इसको ब्रेक देना है, किनको प्लेइंग 11 में रखना है। तो ये सब चीजें क्या है, इसने एशिया कप ने मैनेजमेंट को दोबारा से सोच विचार करने के लिए एक अच्छी मौका दे दिया या अच्छा समय दे दिया, ठीक है, कि आराम से बैठो और सोच विचार करो कि क्या आपने जो टीम सेलेक्ट करी है वो सही है। इट वॉज एन ऑल बॉक्सेस चेक टूर्नामेंट, ये एक ऐसा टूर्नामेंट था जिसमें हर एक क्राइटेरिया जो भी रिक्वायरमेंट या क्राइटेरिया है वो फुलफिल किया गया। दे हैड एंटर्ड इट विद क्वेश्चंस, क्योंकि उनने जब ये टूर्नामेंट की शुरुआत करी थी तो इसमें काफी सारे सवाल थे, और वो क्या सवाल थे, कैन द रीजिग्ड मिडल ऑर्डर होल्डअप, ये जो शफलिंग की गई है एडजस्टमेंट की गई है मिडल ऑर्डर में, मिडल ऑर्डर मतलब देखो ओपनर बैट्समैन होते हैं 1 2 3 ये ओपनिंग ऑर्डर होता है, फिर मिडल ऑर्डर 4 5 6 ये मिडल ऑर्डर होता है, फिर लास्ट के 8 9 10 11 उसमें बेसिकली बॉलर्स होते हैं कि पहले बैट्समैन खेलेंगे, अगर ऐसी स्थिति आई कि लास्ट के प्लेयर्स तक गया तो उसमें बॉलर्स होते हैं, बिकॉज जब हमारी बॉलिंग की टाइम आएगा तो बॉलर भी चाहिए होंगे। मिडल ऑर्डर बेसिकली ऐसा रखा जाता है जो मजबूती से टिक सके, ओपनर्स ऐसे रखे जाते हैं बेसिकली जो जाते ही ताबड़तोड़ मारें, ठीक है, जिससे क्या हो कि एक अच्छी शुरुआत मिल जाए, यही किया जाता है बेसिकली। मुझे ज्यादा क्रिकेट की डिटेल्स नहीं है बट मोस्ट प्रोबेबली यही सब किया जाता है जितना भी मैंने देखा है उससे। तो बोल रहे हैं कि मिडल ऑर्डर के ऊपर सवाल थे कि जो मिडल ऑर्डर उन्होंने रीशफल करा है क्या वो होल्ड अप कर पाएगा, होल्ड अप करना यानी कि बना रहेगा वहां पे टिक पाएगा। कैन द टॉप ऑर्डर हैंडल प्रेशर, क्या जो टॉप ऑर्डर बनाया गया है वो प्रेशर झेल पाएगा। कैन द लोअर ऑर्डर जस्टिफाई द एक्सक्लूजन ऑफ अश्विन एंड युजवेंद्र चाहल, कि क्या जो लोअर ऑर्डर में नए प्लेयर्स को या और लोगों को मौका दिया है आर अश्विन और युजवेंद्र चाहल को बाहर करके, तो क्या वो जस्टिफाइबल होगा, क्या वो उनके सिलेक्शन को जस्टिफाई कर पाएगा। इन द इवेंट द टॉप हेल्ड इट्स नर्व अगेंस्ट पाकिस्तान इन द सेकेंड गेम, बोल रहे हैं कि इवेंट में देखा गया कि जो टॉप ऑर्डर है उसने अपना संयम संतुलन बनाए रखा पाकिस्तान के अगेंस्ट, जो दूसरा गेम था उसमें उसमें उन्होंने अपना अच्छा संयम बनाए रखा, दैट मीन्स वो क्वेश्चन हल हो गया।
द मिडल मोर देन हेल्ड अप इन द फर्स्ट मैच अगेंस्ट पाकिस्तान. जो मिडल ऑर्डर है उसने केवल संयम नहीं बनाए रखा बल्कि उससे भी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया पाकिस्तान के अगेंस्ट में जो फर्स्ट मैच था उसमें. द लोअर ऑर्डर लेड बाय अक्षर पटेल ऑलमोस्ट पुल्ड ऑफ अ लॉस्ट कॉज अगेंस्ट बांग्लादेश. और जो लोअर ऑर्डर है जिसमें सबसे आगे स्क्वाड में कौन थे, अक्षर पटेल, उनके द्वारा ये जो संचालित था लोअर ऑर्डर, इसने लगभग लगभग हमें एक जीत दिला दी थी एक हारे हुए मैच में जो कि बांग्लादेश के अगेंस्ट खेला गया था. तो उसमें लगभग लगभग आधी जीत तो मतलब उन्होंने दिला ही दी. द सीमर्स वर फैंटास्टिक. सीमर्स मतलब बॉलर्स. बॉलर्स बहुत ही नायाब थे, बहुत उम्दा उन्होंने गेम दिखाया. नॉट जस्ट मोहम्मद सिराज बट जसप्रीत बुमराह ऑल्सो शोड ही हैज रिटेन्ड द ओल्ड बाइट डिस्पाइट अ लॉन्ग इंजरी ले ऑफ. और केवल मोहम्मद सिराज ही नहीं थे जिन्होंने अच्छा गेम खेला बल्कि जसप्रीत बुमराह ने भी दिखाया कि वो अपनी पुरानी फॉर्म में, ओल्ड मतलब पुराना, बाइट मतलब फॉर्म, उस फॉर्म में आ चुके हैं. उन्होंने अपनी पुरानी फॉर्म हासिल कर ली है जो कि इंजरी की वजह से उनको लंबे समय से ले ऑफ यानी कि काम से हटा दिया गया था, यानी कि उनको टीम से बाहर का रास्ता देखना पड़ा था ड्यू टू एन इंजरी. तो अब उन्होंने साबित कर दिया कि उन्होंने अपनी पुरानी जो फॉर्म है वो पकड़ ली है. सो इफ ऑल इज वेल डज दिस टीम रियली नीड्स अश्विन. बोल रहे हैं तो अगर सब कुछ चंगा है तो क्या वाकई में अश्विन की जरूरत है इस टीम को. रोहित्स कमेंट शोज द टीम हैजंट वांडर्ड इनटू द रियल्म ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस. तो रोहित का जो स्टेटमेंट है, रोहित का जो टिप्पणी है, वो ये दर्शाती है कि इस जीत के कारण ये जो टीम है ये ओवर कॉन्फिडेंस के दौर में, ओवर कॉन्फिडेंस के दायरे में नहीं आई है. यानी कि ऐसा नहीं है कि हाँ जी हमारी टीम तो सुपर सुपर डुपर है, हम तो सब कुछ कर लेंगे. उनको ग्राउंड रियलिटी पता है. आर अश्विन का जो एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा ज़रूरी होगा रादर देन एकदम पूरी न्यू बॉलिंग टीम को आप लेके जाएं उसके कंपेरिजन में. तो उनको कुछ रियलिटी पता है. वन लुक अराउंड द क्रिकेटिंग वर्ल्ड वुड डिस अब्यूज एनी टीम ऑफ नोशंस ऑफ कॉम्प्लेसेंसी. बोल रहे हैं अगर हम क्रिकेट का इतिहास देखें, क्रिकेट की इस वक्त की दुनिया देखें, तो हमें पता है, ये चीज समझ में आती है कि कोई भी टीम जो है वो आत्मसंतोष की धारणा से नहीं अपने आप को डिसअब्यूज करेगी, ये विश्वास नहीं दिलाएगी कि हम अपने आप में परिपूर्ण है. ऐसी कोई भी टीम नहीं है. ठीक है. Packed with genuine all-rounders, Australia are marching on. बोल रहे हैं असली all-rounders भरे पड़े हैं ऑस्ट्रेलिया टीम में और वो अपना मार्च ऑन यानी कि प्रस्थान कर चुके हैं. Armed with ambition and buzzball, England are rollicking. बोल रहे हैं आम मतलब सुसज्जित. किसके द्वारा? उनके महत्वाकांक्षा है. और बजबल क्या है? एक टर्म है जो इंग्लिश क्रिकेट टीम का जो टेस्ट प्लेइंग का तरीका है, टेस्ट मैच खेलने का तरीका है, उसको बोला जाता है. ठीक है. तो बजबल के साथ में उनके वो क्या कर रहे हैं, इंग्लैंड आर रोलिकिंग. रोलिकिंग मतलब उत्साहपूर्ण. वो यहां पर मतलब वो गेम की तैयारी कर रहे हैं विथ हेनरिक क्लासन एंड डेविड मिलर. क्या क्या शामिल है? हेनरिक क्लासन कोई व्यक्ति है और डेविड मिलर. साउथ अफ्रीका आर फाइंडिंग देयर वे बैक टू एलाइट क्रिकेट. तो साउथ अफ्रीका भी इन दो प्लेयर्स के साथ में वापस से इस ऊंचे दर्जे की उत्कृष्ट क्रिकेट श्रेणी में अपने आप को खड़ा करना चाह रहा है. एंड डिस्पाइट द हॉरर्स इन द फाइनल, श्रीलंका हैव शोन हाउ टू कोप विद द एब्सेंस ऑफ 5 फ्रंटलाइन प्लेयर्स ड्यू टू इंजरी. बोल रहे हैं और फाइनल्स में, एशिया कप के फाइनल्स में हार झेलने के बावजूद भी श्रीलंका ने ये साबित किया है कि कैसे एक परिस्थिति जिसमें आपके टॉप के जो 5 प्लेयर्स हैं, सबसे उच्चतम कोटि के जो 5 प्लेयर्स हैं, वो इंजरी की वजह से क्योंकि मैच में हिस्सा नहीं ले पाए, फिर भी अपने आप को कैसे उभर के निकाला जाए. ठीक है. कैसे उभर के सामने रिप्रेजेंट किया जाए, ये श्रीलंका ने साबित किया है. दैट मीन्स आप श्रीलंकन टीम को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते. ठीक है. वो भी एक क्वाइट चैलेंजिंग होगा. एंड नो वन विल टेक पाकिस्तान लाइटली डिस्पाइट देयर हिकअप्स इन दिस टूर्नामेंट. और बोल रहे हैं पाकिस्तान को तो बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता. हालांकि इस टूर्नामेंट में उनको काफ़ी हिकअप्स यानी कि समस्याएं आई हैं, कठिनाई आई हैं, बट स्टिल उनको हल्के में लिया जाने की गलती तो इंडिया कभी कर ही नहीं सकती. हाउ इंडिया डू नाउ विल डिपेंड ऑन हाउ थरली दे प्लान फॉर ईच गेम ऑफ द वर्ल्ड कप. अ
अब इंडिया आगे कैसे परफॉर्म करती है, अब वो क्या प्लानिंग, किस तरीके से परफॉर्मेंस उनकी रहेगी, ये पूरा का पूरा जो चीज है वो डिपेंड करेगा इस बात के ऊपर कि आप वर्ल्ड कप के हर गेम को किस तरीके से प्लान करें। जाहिर सी बात है वहीं पे ऑन द स्पॉट जाके तो प्लानिंग नहीं होती, कुछ ना कुछ तो टीम से ज्यादातर मैचेस तो पहले से स्टार्ट होते हैं कि चलो प्लेइंग जो फर्स्ट ग्रुप्स बने हैं ए बी सी सपोज करो, तो इसमें चार टीम्स हैं, एक इंडिया है, अगर इंडिया इसके साथ में खेलेगी, अगर जीते और इसमें से ये दो जीते तो इंडिया इसके साथ खेलेगी, अगर हारे तो इंडिया इसके साथ खेलेगी। ये चीज़ें हर कोई सोचता ही है ना कि हमारा मैच किस किस के साथ में हो सकता है, अगर जीत गए तो क्या करेंगे, हार गए तो क्या करेंगे। तो ये स्ट्रैटेजी वो जिस तरीके से प्लान करेंगे उसी के ऊपर सारा का सारा उनका टीम का आगे का दारोमदार रहेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, ये था सारा का सारा पैसेज, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर वन की तरफ। क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है व्हाट इज द टोन ऑफ थर्ड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ देखो, स्पेसिफिकली थर्ड पैराग्राफ बोला तो हम थर्ड पैराग्राफ की तरफ ही चलते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड पैराग्राफ, इसमें ज्यादातर क्वेश्चंस के बारे में बताया गया है, मिडल ऑर्डर किस तरीके से काम करेगा, उन्होंने फिर वहां पे किस तरीके से उनका जवाब दिया क्वेश्चंस का, यानी कि एशिया कप में जो भी डाउट्स थे उनके ऊपर उनका जवाब इन प्लेयर्स ने किस तरीके से दिया ये बताया गया। ठीक है, तो यानी कि वो पैसेज काफी एनालिटिकल था, ऑप्शन सी एनालिटिकल इज करेक्ट। व्हाट वुड बी एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। पैसेज के लिए एक अप्रोप्रिएट टाइटल क्या हो सकता है, द राइज ऑफ अश्विन। हम केवल अश्विन की चर्चा तो नहीं कर रहे ना, हम इंडियन क्रिकेट टीम की इस वक्त की परफॉर्मेंस को देख रहे हैं और फ्यूचर में वर्ल्ड कप के लिए क्या किया जा सकता है उसको देख रहे हैं। द स्ट्रगल्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। भाई हमारा न्यूज एंकरों वाला काम नहीं है, हमने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की चर्चा नहीं करी है यहाँ पे। सो इवेल्युएटिंग इंडियाज परफॉर्मेंस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इन क्रिकेट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। वट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज, द ग्रेटनेस ऑफ रोहित शर्मा एज कैप्टन। तो उनकी कैप्टनशिप सी में हमने ये चीजें जीती हैं, ये हमने हासिल किया, इस बारे में चर्चा नहीं हुई। एज अ कैप्टन उन्होंने ये चीज जरूर साबित कर दी कि हमें आर अश्विन की भी जरूरत है और ये जो विक्ट्री है दिस डजंट मीन दैट हमारी टीम परफेक्ट है। ठीक है, वी नीड चेंजेस एंड वी आर रेडी टू इनकॉर्पोरेट देम, ये चीज उन्होंने बताई है। द कॉम्प्रिहेंसिव अचीवमेंट्स ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम इन द एशिया कप, कि एशिया कप में हमारी टीम ने किस तरीके से बहुत उम्दा प्रदर्शन करा ये बताया गया। तो ऐसा नहीं है केवल एशिया कप का जिक्र नहीं हुआ, आगे आने वाले चैलेंजेस का भी जिक्र हुआ है। द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड कप्स ये नहीं है। द नीड फॉर इंडिया टू स्टे ग्राउंडेड एंड प्रिपेयर फॉर चैलेंजेस अहेड इन द वर्ल्ड कप, ऑप्शन डी इज करेक्ट। कि क्यों हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, जो कि अभी हम हैं भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बाकी टीम्स जो हैं उनके पास भी बहुत उम्दा प्लेयर्स हैं। What can be inferred about Captain Rohit Sharma's attitude towards the team's success in Asia Cup? क्या बोला जा सकता है उनके attitude के बारे में, रोहित शर्मा के attitude के बारे में, कि उन्होंने टीम की जो भी कमियां हैं परेशानियां हैं उनको समझा है। ठीक है, उनको पता है कि हमें कुछ significant players की जरूरत पड़ेगी। He believes the team's success at Asia Cup guarantees their victory in World Cup। ऐसा तो नहीं है, अगर ऐसा होता तो वो आर अश्विन को लाने की बात नहीं करते। He recognizes that despite Asia Cup win, there are areas in the team that need addressing. Option B is correct. उन्होंने इस बात को समझा है कि हालांकि हम एशिया कप जीत गए हैं बट फिर भी टीम में कुछ फेरबदल की जरूरत है, हमें कुछ प्लेयर्स हैं जो चाहिए ही चाहिए। Based on the passage, which statement accurately reflects the performance of Indian team during Asia Cup? कौन सी statement है जो एकदम सही तरीके से हमारी performance को बताती है? अक्षर पटेल and lower order nearly succeeded in challenging match against Bangladesh. Correct है ये, वो लगभग सफल हो गए थे। The top order failed to handle pressure against Pakistan. Incorrect है, बोला कि उन्हें काफी अच्छे से pressure झेला, अपना संयम बना के रखा। The seamers including मोहम्मद सिराज एंड जसप्रीत बुमराह delivered disappointing performance. ऐसा भी नहीं है, बोला कि बुमराह ने तो ये तक साबित कर दिया कि इंजरी के बाद में उन्होंने अपनी पुरानी फॉर्म जो है वो हासिल कर ली है। द मैनेजमेंट फेल्ट नो नीड फॉर री इवेलुएशन आफ्टर एशिया कप। तो मैनेजमेंट को लगा कि नहीं लगा, बट इस वक्त की डिमांड तो है, टीम के कैप्टन को जरूर लगा और बाकी लोगों को देखने वालों को लगा, तो मैनेजमेंट को सलाह जरूर दी गई है कि आप ये करिए। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। पैरा जंबल का क्वेश्चन है, एज अ बॉय एलन वॉज
कीन रीडर एंड लर्न हाउ टू कोड कंप्यूटर्स, यानी कि जब वो बच्चा था तब यंग नौजवान युवा या बच्चा था तो वो क्या करता था, बहुत ही कीन रीडर यानी जिज्ञासु तरीके का रीडर था और बहुत उसने क्या सीखा, उसने कोड कंप्यूटर्स को कोड करना सीखा। अब देखो बाकी सारे जो स्टेटमेंट्स हैं, ही इवन, इसके बाद में ही मूव्ड, इसके बाद में ही, तो ये सारे प्रोनाउंस बता रहे हैं यानी कि पी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्रोनाउंस नहीं भी होते तो भी हमें पता चलता कि एक एलन नाम का व्यक्ति है उसके बारे में बताया जा रहा है, हो सकता है ये एलन मस्क की बात की जा रही है। तो एलन नाम का व्यक्ति है जो कि बहुत जिज्ञासु रीडर था और उसने कंप्यूटर को कोड करना सीख लिया था। ही इवन मेड हिज ओन वीडियो गेम कॉल्ड ब्लास्टर। अब क्योंकि उसने कोडिंग सीखी थी इसलिए उसने वीडियो गेम बनाया, ठीक है। लेटर ही मूव टू कैनेडा एंड देन द यूनाइटेड स्टेट्स, सेटिंग अप हिज फर्स्ट कंपनी विद हिज ब्रदर किम्बल इन 1995। बोल रहे फिर उसके बाद में वो कैनेडा मूव हो गए और उसके बाद में वो यूनाइटेड स्टेट्स चले गए जहां पे उन्होंने अपने भाई के साथ में पहली कंपनी बनाई थी। उनके भाई का नाम क्या था, किम्बल, और कब बनाई थी पहली कंपनी, 1995 में। बट आफ्टर सम टाइम ही सोल्ड दैट कंपनी। अब कौन सी कंपनी जो उन्होंने अपने भाई के साथ बनाई थी, यानी कि आर के बाद में एस स्टेटमेंट आएगा और पी के बाद में क्यू स्टेटमेंट आएगा, तो हमारा अरेंजमेंट बन गया पी क्यू आर एस, ऑप्शन पी क्यू आर एस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखा कितना ईजी हो जाता है। मेनी डेड वुड बीटल स्पीशीज रिसाइकल द न्यूट्रिएंट्स ऑफ वुडलैंड। बोल रहे हैं कई सारी डेड वुड यानी कि सड़ी गली लकड़ियों वाली जो बीटल की स्पीशीज हैं, प्रजातियां हैं, वो क्या करते हैं वुडलैंड यानी कि जंगलों की जो है न्यूट्रिशन को बरकरार रखते हैं, उनको रिसाइकल करते हैं। सम डेड वुड बीटल्स आर प्रेडेटर्स और पैरासिटॉइड्स टू अदर इंसेक्ट स्पीशीज। कुछ डेड वुड बीटल्स जो होते हैं वो प्रेडेटर्स होते हैं यानी कि दूसरे को मार के खाने वाले, या फिर पैरासिटॉइड्स होते हैं यानी कि दूसरे के ऊपर निर्भर करने वाले, उसकी स्किन में या उसके बॉडी में घुस जाएंगे और उनके ऊपर निर्भर करेंगे, डिपेंड करेंगे, टू अदर इंसेक्ट, दूसरे इंसेक्ट प्रजातियों के ऊपर, एंड रिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल पेस्ट। और इससे क्या होता है कि उन जो इंसेक्ट स्पीशीज हैं जो कि पेस्ट की तरह काम करती हैं फॉरेस्ट के अंदर, किसी भी सब्जियों वाली जगहों के अंदर, तो उनकी प्रजाति को और आगे बढ़ने से रोकती हैं यानी कि उनकी पॉपुलेशन के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। अदर्स हैव रिसेंटली बी फाउंड टू बी पॉलिनेटर्स, और कुछ हमें रिसेंटली पता चला है कि पॉलिनेटर्स का काम करते हैं। पॉलिनेटर्स मतलब जो एक फ्लावर होता है ना, कोई भी फल फूल जो उसका फ्लावर जो होता है उसमें दो पार्ट्स होते हैं, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। मेल पार्ट्स के अंदर पोलन्स होते हैं, पोलन्स होते हैं छोटे छोटे दाने टाइप चीज़ें, ठीक है। इन ये जो है फीमेल पार्ट होता है स्टिग्मा, उसके ऊपर जब गिरते हैं तो ही आगे एग फॉर्मेशन और फिर आगे फ्रूट फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसको, इस प्रोसेस को पूरी को बोला जाता है पॉलिनेशन, और इसको करवाने वाले बेसिकली कौन होते हैं, बीज, मक्खियाँ, हनी बीज जब जाती हैं तो उनके पैरों से लग के भी पोलन्स वो है स्टिग्मा के ऊपर आते हैं। ये काफ़ी बायोलॉजिकल प्रोसेस है, अगर आपने 8th, 9th, 10th की बायो पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा ये चीज़ें, अगर आपको नहीं याद आ रहा तो एक बार गो थ्रू कर लेना। तो ये पॉलिनेटर्स का भी काम करते हैं, वर्किंग अलॉन्ग साइड फंगाई, बैक्टीरिया एंड अदर इनवर्टिब्रेट्स, दे ब्रेक डाउन डेड वुड एंड रिटर्न द न्यूट्रिएंट्स बैक टू सॉइल। अब देखो बोल रहे हैं कि फंगाई के साथ में काम करते हुए, बैक्टीरिया के साथ में और दूसरे इनवर्टिब्रेट्स के साथ में काम करते हुए, इनवर्टिब्रेट्स जिनमें हड्डी नहीं होती शायद उनको बोला जाता है इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स दो प्रजातियां होती हैं, मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। इनवर्टिब्रेट्स शायद वो होते हैं जिनमें हड्डी नहीं होती, तो एक बार आप चेक कर लेना प्लीज। तो दे ब्रेक डाउन, तो वो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं, किस चीज को तोड़ते हैं, डेड वुड यानी कि सड़ी गली जो लकड़ी होती है उसको तोड़ते हैं और रिटर्न करते हैं न्यूट्रिएंट्स बैक टू सॉइल यानी कि जमीन में वापस उसको, क्योंकि पेड़ है वो वापस जमीन में मिल जाएगा तो जो भी उसमें न्यूट्रिएंट्स थे वो वापस जमीन में चले गए, ये काम वो करते हैं। अब देखो पहली चीज तो यहाँ पे हमें पता चल गया फर्स्ट स्टेटमेंट में कि हम बीटल की प्रजातियों की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया कि रिसाइकल द न्यूट्रिएंट्स ऑफ वुडलैंड, और लास्ट स्टेटमेंट एस स्टेटमेंट में बोला गया कि बैक्टीरिया फंगाई और इनवर्टिब्रेट्स के साथ में मिलके वो ये काम करते हैं और कैसे करते हैं वो बता दिया। तो पी के इमीडिएट बाद में एस स्टेटमेंट आएगा क्योंकि पी और एस स्टेटमेंट जो है वो रिलेटेड है। तो पी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट कहाँ कहाँ पे है, ऑप्शन ए में पी फर्स्ट स्टेटमेंट है और सी में है, बी और डी को हटा दो,
ठीक है। इसके बाद में पी के साथ में आएगा एस। अब इतने से ही हमें पता चल गया कि ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट है, क्योंकि यहां पे पी के बाद में आर आ रहा है। फिर उसके बाद में क्यू स्टेटमेंट आएगा, जिसमें कुछ बीटल की प्रजातियों को के बारे में बताया गया है, वहीं दूसरी ओर कुछ प्रजातियां हैं जो पॉलिनेटर्स हैं, ये आर स्टेटमेंट में बताया है। यानी कि आपने बोला है कि कुछ लोग जो हैं वो इस तरीके काम करते हैं कि भाई वो सारे काम एकदम परफेक्टली टाइम पे करते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लास्ट मोमेंट तक काम टालते रहते हैं। तो यानी कि दो चीजों का आपने कंपैरिजन किया ना, तो क्यू के बाद में आर स्टेटमेंट आएगा, यानी कि पी एस क्यू आर हमारा अरेंजमेंट बन रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इन टोक्यो दे बिल्ट एन एक्सप्रेसवे लिंकिंग द इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन हनेडा टू द सेंटर। बोल रहे हैं टोक्यो में उन्होंने एक एक्सप्रेसवे मतलब कि हाईवे टाइप जो होता है ना, जिसमें बहुत सारे लेन्स होते हैं, वो बनाया, जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, हनेडा में है, उसको सेंटर से, शहर के मुख्य केंद्र से जोड़ता है। एंड widened सम ऑफ सिटीज मेजर arteries, और arteries यहाँ पे रोड लिंक है, तो शहर के कुछ प्रमुख जो सड़कें हैं उनको भी उन्होंने चौड़ा कर दिया। These infrastructure improvements helped to bring about the Japanese economic miracle over the next couple of decades. तो ये जो infrastructure में improvement आए हैं, इनकी वजह से Japanese लोगों की जो economy है उसमें बहुत ही जादुई तरीके से उछाल आया है, और ये उछाल कब तक देखा गया, आने वाले कुछ दशकों तक देखा गया। टोक्यो 2020 was supposed to be a great economic stimulus, replicating the achievements of टोक्यो 1964। बोल रहे हैं 2020 का जो टोक्यो है वो माना गया कि बहुत ही इकोनॉमिक, यानी कि अच्छा उसका बिजनेस आने का उम्मीद है, स्टिमुलस मतलब अच्छा उसका रिजल्ट मिलेगा, तो इकोनॉमिक के लिए, इकोनॉमी के तौर पे उसको काफी अच्छा देखा गया टोक्यो 2020 को, कि हमारी इकोनॉमी इससे ग्रो करेगी। और ये माना गया कि टोक्यो 1964 जो ऑर्गेनाइज कराया गया था ओलंपिक, उसी की तर्ज पर, उसी की तरह ये अचीवमेंट करेगा, उसी की तरह की अचीवमेंट ये डुप्लीकेट या रेप्लीकेट करेगा। इट वॉज थैंक्स टू होस्टिंग दैट ओलंपिक्स दैट जापान इन्वेस्टेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज फेमस शिंकासन बुलेट ट्रेन। बोल रहे हैं ये शुक्र है कि वो ओलंपिक जापान ने होस्ट करा। कौन सा ओलंपिक, 1964 वाला ओलंपिक की बात करी है, क्योंकि उसी की वजह से हमने उस टाइम पे, यानी कि जापानीज लोगों ने उस टाइम पे शिंकासन बुलेट ट्रेन जो है वो डेवलप करी, उसका निर्माण किया। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट तो आ जाएगा जहां पे क्लियर कट बेसिकली 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स का जिक्र किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया ओलंपिक्स को, और किस तरीके से ओलंपिक्स की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है और इकोनॉमी ग्रो होती है, इस बारे में बताया गया। फिर आएगा एस स्टेटमेंट, क्योंकि यहां पे दैट ओलंपिक्स, उन ओलंपिक्स का जिक्र किया गया। कौन से ओलंपिक्स, जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए, और अचीवमेंट्स किन की गिनाई जा रही है, 1964 वाले ओलंपिक्स की गिनाई जा रही है ना, जिनकी वजह से क्या हुआ, हमने शिंकासन बुलेट ट्रेन जो है वो डेवलप करी। तो एस हमारा सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगा। अब सबसे पहले चलो ऑप्शंस में देखो, आर निकाल लिया तो ही हमें पता चल गया कि ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्यू फर्स्ट है, एस फर्स्ट है, पी फर्स्ट है, जो कि इनकरेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब आर एस इसके बाद में आएगा पी, कि टोक्यो में फिर उन्होंने और क्या क्या बनाया, उन्होंने एक्सप्रेस वे बनाया जो कि सेंटर को लिंक करता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ में, और फिर बोला कि इस तरीके के जो इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट्स हैं, इन्होंने जापानीज इकोनॉमी को बहुत ही जादुई तरीके से आने वाले कई दशकों तक बढ़ाकर रखा। तो ये 1964 वाले ओलंपिक की ही देन है कि उनकी इकोनॉमी इतनी तेजी से बढ़ी। ओके, तो चलिए, यानी कि आर एस पी और क्यू जो है ये फाइनल क्लोजर स्टेटमेंट होएगा, जो कि इन ओलंपिक्स की महत्वता बता रहा है। तो आर एस पी क्यू ऑप्शन ए इज करेक्ट। यू कैन यूज प्रॉपर लाइटिंग, रिड्यूस स्क्रीन ग्लेयर एंड टेक मोर ब्रेक्स। अब ये आपको कुछ स्टेप्स बता रहे हैं, किस चीज के स्टेप्स बता रहे हैं क्लैरिटी नहीं है, चलिए आगे देखते हैं। यानी कि पी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता और ऑप्शन में गिवन भी नहीं है, चलो ज्यादा हेल्प नहीं मिली। However, one of the easiest, अब however से start है, यानी कि ये भी हमारा first statement नहीं हो सकता, तो option B eliminate कर दो, क्योंकि however मतलब इस
हालांकि की बात हो रही है, तो हालांकि आप स्टेटमेंट कब यूज कर सकते हैं, जब आपने पहले कोई चीज बोली होगी, आप उसी के लिए बोल रहे होंगे ना कि हालांकि हम ये चीज कर सकते हैं, तो बोल रहे हैं हालांकि जो इजीएस्ट तरीका है, हैबिट है जो आप बना सकते हैं, वो है 20-20-20 रूल को फॉलो करना। देयर आर लॉट्स ऑफ वेज यू कैन प्रोटेक्ट योर आईज ड्यूरिंग द डे, बोल रहे हैं कई सारे तरीके हैं जिनसे आप दिन के समय अपनी आंखों को बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यानी कि हम समझ पा रहे हैं कि ये हमारी आईज की हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक है। तो ये इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट हो गया आर, कि बहुत सारे तरीके हैं जिनकी वजह से हम अपनी आंखों को बचा सकते हैं, वही उनमें से एक तरीका है प्रॉपर लाइट इस्तेमाल करने का, स्क्रीन ग्लेयर यानी कि स्क्रीन को देखने के लिए, मतलब कम देर तक आप स्क्रीन को देखें, ज़्यादा ब्रेक्स लें, ये सब तरीके बताए गए। एवरी 20 मिनट्स ऑफ टाइम स्पेंड स्टेयरिंग एट अ स्क्रीन, लुक अवे एट एन ऑप्शन दैट इज एटलीस्ट 20 फीट अवे फॉर 20 सेकेंड्स। यानी कि ये जो 20-20-20 रूल है, 20 मिनट्स, 20 फीट, 20 सेकेंड हो गया, यानी कि क्यू के बाद में आएगा एस स्टेटमेंट। अब देखो यहाँ पे एस पहले है, हटा दो इसको, यहाँ पे क्यू के बाद एस में है, यहाँ पे एस पहले है, इसको भी एलिमिनेट कर दो। तो देखो ऑप्शन एलिमिनेशन से हमें पता चल गया कि हमारा सी ऑप्शन जो है करेक्ट है, आर हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट बन रहा है। उन्हीं स्टेप्स में बताया गया कि आप क्या क्या तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रॉपर लाइट यूज कर सकते हैं, स्क्रीन ग्लेयर कम कर सकते हैं, ज़्यादा ब्रेक्स ले सकते हैं। फिर आगे बताया गया कि सबसे इजी तरीका है 20-20-20 रूल, और फिर उसके बारे में बताया गया। तो आर पी क्यू एस, आर पी क्यू एस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। शालिनी वॉज स्क्रोलिंग डाउन द फोन स्क्रीन वाइल वेटिंग फॉर हर फ्रेंड, बोल रहे हैं शालिनी जो है वो फोन की स्क्रीन को स्क्रॉल डाउन कर रही थी। स्क्रॉल डाउन मतलब आप शॉर्ट्स को ऊपर ऊपर करते जाते हैं ना, तो वो स्क्रॉल डाउन कर रही थी फोन की स्क्रीन को जब अपनी फ्रेंड का वो वेट कर रही थी, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड का वेट कर रही थी। फिर आगे बोला गया हर फ्रेंड ब्रॉट अ बुके फॉर शालिनी फ्रॉम द मार्केट प्लेस, उसकी फ्रेंड ने शालिनी के लिए एक बुके लिया कहाँ से, मार्केट प्लेस में से। When her friend arrived, they went to marketplace. अब वो वेट कर रही थी, फिर उसकी फ्रेंड आई, फिर वो कहाँ गए, marketplace में गए। The marketplace was thronging with people, यानी कि खचाखच भरी हुई थी लोगों से। तो उसकी फ्रेंड आई, वो marketplace गए, वो marketplace जो है खचाखच भरी हुई थी लोगों से, और वहां से उसकी फ्रेंड ने शालिनी के लिए एक बुके लिया। तो A, C, D, B, सिंपल है, ठीक है, A, C, D, B, ऑप्शन D इज करेक्ट। द गुड्स वर टेकन ऑन अ पब्लिक कैरियर, ये करियर है, ठीक है, करियर यानी कि आपका भविष्य, आपका फ्यूचर, आप किस तरीके से अपना करियर, बोलते हैं ना आपने अपने करियर के बारे में क्या सोचा, यानी कि आपने जॉब और नौकरी पेशा इन सब चीजों के बारे में क्या सोचा है। तो ये करियर है, लेकिन गुड्स किस पे लेके जाते हैं, कैरियर पे, ना कि करियर पे। अब ये कैरियर ही है लेकिन स्पेलिंग एरर है, ये भी स्पेलिंग एरर है, ये है मेन कैरियर जिसके ऊपर माल वाहक या माल ढोआ जाता है, उसको बोला जाता है कैरियर, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। और ये है कुरियर, जिसके जरिए हम अपने लेटर्स और आइटम्स वगैरह भेजते हैं, वो बोला जाता है कुरियर। तो कैरियर, करियर, कैरियर, कुरियर, ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इज देयर एनी पोर्टल टू रिडीम दीज कूपन्स दैट आई हैव कलेक्टेड फ्रॉम द स्टोर, बोल रहे हैं क्या कोई ऐसी पोर्टल है, ऐसी जगह है जहां पे मैं इन कूपन्स को रिडीम कर सकूं, रिडीम करना मतलब वसूल करना, तो वसूल कर सकूं जो कि मैंने स्टोर से कलेक्ट करे हैं। तो इसका एंटोनिम बताना है। अब यूज भी एक तरीके से इस्तेमाल करना ही होगा। डिप्लोर, डिप्लोर मतलब खेद प्रकट करना। फॉरफेट, फॉरफेट मतलब कि खोना, लूज कर देना, या एम्बेजल मतलब कि गबन करना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है इसका एंटोनिम बन रहा है रिडीम का, क्योंकि रिडीम मतलब आपने कोई चीज वसूल कर ली, और खो देना, आपने वो चीज खो दी तो मतलब आपके वो काम नहीं है, तो ऑपोजिट हो गया, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। टुडे द कंट्रीज नेशनलिस्ट रूल द रूस्ट एंड हैंड आउट द जॉब्स, यानी कि आज जो कंट्री के नेशनलिस्ट, नेशनलिस्ट वो लोग होते हैं जो देश प्रेम, देशभक्ति इन सब बातों को करते हैं, और देश की भलाई के काम करना चाहते हैं। तो आज देश जो है ऐसे लोगों द्वारा संचालित किया जा रहा है, और रूल द रूस्ट का मतलब होता है शासन करना। देश जो है ऐसे लोगों द्वारा संचालित किया जा रहा है, और यही लोग जो है नौकरी आवंटन भी करते हैं। टू बी इन चार्ज, ऑप्शन ए इज करेक्ट।
कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, यानी कि किसी को ऐसी जगह पे ज़्यादा उससे फ्रेंडली भी नहीं होना जितना ज़रूरत है उतनी बात करना, यानी कि एक हाथ दूरी पर आप उससे रहते हैं, मतलब कि आप उससे ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होते. अवॉइड बिकम फ्रेंडली विद समवन, ऑप्शन ए इज करेक्ट. द एफर्ट्स विल बी डैश वेन, वेन मतलब नष्ट हो जाना, यूजलेस, खराब हो जाना, ठीक है. तो एफर्ट्स सारे व्यर्थ गए, तो व्यर्थ को आपने अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है, ठीक है. तो यूजलेस ऑप्शन ए इज करेक्ट अगेन, बेकार, व्यर्थ. केयरलेस मतलब बेपरवाह, डिलाइटफुल मतलब सुखद, और सेंसिबल मतलब समझदार. तो यहां पे ऑप्शन ए यूजलेस इज करेक्ट. द पेशेंट लुक्ड डैश एंड टायर्ड, तो कोई पेशेंट है वो टायर्ड दिख रहा है और साथ में पेल दिख रहा है, तो पेल क्या होता है, पी ए एल ई, पेल. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नटवर वॉज अ फ्रॉडस्टर who always tried to fooling others. नटवर एक फ्रॉड व्यक्ति था, फ्रॉड कॉनमैन था, जो हमेशा लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करता था. तो हमें इसका करेक्ट जो है फॉर्म वर्ड यूज करना है. बिट्रे मतलब धोखेबाज, रिसीव मतलब अगेन धोखेबाज, चीटिंग मतलब धोखा देना, रिवील मतलब प्रकट करना. तो यहाँ पे फूलिंग का अप्रोप्रिएट यहाँ पे जो अरेंजमेंट आएगा वो आएगा डिसीव, ऑप्शन बी. कंसेंट मतलब सहमति देना, अब सहमति का सिनोनिम बताना है. एवर्ट, एवर्ट मतलब टालना, असेंट मतलब सहमति देना, डिस्टर्ब मतलब कि परेशान करना, और डिसेंट मतलब असहमति देना. तो यहाँ पे ऑप्शन बी एसेंट इज करेक्ट. अ प्लेस टू प्ले गेम्स एंड बेट ऑन देम, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट देना है. मोटेल, मोटेल तो एक ऐसी जगह जहाँ पे आप रुकते हैं, ठहरते हैं, होटल, खाने पीने जाते हैं और ठहर भी सकते हैं आजकल तो. कसिनो एक ऐसी जगह जहाँ पे आप गेम्स खेलते हैं और उनके ऊपर बेट भी लगाते हैं, पैसा भी लगाते हैं. ऑप्शन सी इज करेक्ट. करण कॉल द रेस्टोरेंट टू आस्क इफ ही कुड रिजर्व अ टेबल फॉर टुमारो. तो करण ने कॉल किया होगा तभी उसने पूछा होगा ना कि ये कल के लिए टेबल बुक हो सकता है नहीं. तो करण called the restaurant to ask if he could, could से पता चल रहा है कि बाद की, पहले की बात हो रही होगी. reserve a table for tomorrow, so option A में error है, करण call की बजाय called होगा. okay, past tense की बात हो रही है. we must understand that people can process very little information presented orally. हमें यह समझना चाहिए कि लोग जो है अगर आप orally उनको कुछ समझाएंगे तो उसमें से बहुत थोड़ी चीजें grasp कर पाते हैं. तभी बोला जाता है ना आपको याद करने के लिए कि अपने फिंगर पॉइंट करो, अपनी सारी सेंसेस को यूटिलाइज करो. जब आप पढ़ रहे हो, खुद से पढ़ रहे हो, तो बोलो भी, देखो भी, सुनो भी, और फिंगर से टच भी करो. सो इट इज डैश पर्टिकुलरली फॉर अ टीचर. तो एक टीचर के लिए इंपॉर्टेंट होगा कि किसी टीचर के लिए, खास तौर पर टीचर के लिए, टू रियलाइज दैट द स्टूडेंट्स हैव समटाइम्स लिसन टू 3 or 4 टीचर्स. तो ये टीचर के लिए समझना बहुत जरूरी है कि कई बार बच्चों ने 3 या 4 टीचर्स की बात सुनी होती है. डेफिनेट सी बात है, आप स्कूल में जा रहे हैं, आप कॉलेज में जा रहे हैं, तो एक ही लेक्चर तो नहीं होगा टीचर का, अलग अलग 3-4 टीचर्स के लेक्चर होंगे. तो आपने सबकी बातें ओरली सुनी हैं, सबने आपको ओरली चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है. तो आप क्या सबका A to Z सारा वर्ड टू वर्ड याद रख सकते हैं? नहीं ना. इसीलिए आप फिर क्या करते हैं उस टाइम पे, नोट्स बनाते हैं, फास्ट फास्ट आप लिखते हैं अपनी नोटबुक में, जिससे कि उन वर्ड्स, की वर्ड्स को देख के आपको याद आ जाए कि सर ने क्या क्या बोलने की कोशिश करी थी. कई बच्चे होते हैं वो सारी की सारी बातें लिखने की कोशिश करते हैं, सर क्या बोल रहे हैं, मैम क्या बोल रहे हैं, सारी चीजें लिखने की कोशिश करते हैं, राइट. सो 3 or 4 टीचर्स. द टीचर मस्ट हैव प्रॉप्स लाइक नोट्स, हैंडआउट्स एंड स्लाइड्स दैट विल मेक द लर्निंग मटेरियल मोर अलाइव. हो सकता है मोर हो बोल रहे हैं, तो इसीलिए टीचर्स को ऐसे मटेरियल, प्रॉप्स यूज करना चाहिए. प्रॉप्स मतलब कि सहायक टूल्स यूज करना चाहिए, जैसे कि नोट्स हो गए, हैंडआउट्स हो गए, स्लाइड्स हो गई. इन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि वो लर्निंग मटेरियल को और ज्यादा अलाइव, जीवंत कर सके फॉर स्टूडेंट्स एंड स्टे दैट वे विद देम, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा अलाइव हो जाएगा और उनके साथ उसी तरीके से रहेगा हमेशा. अ विजुअल एड, अ लिटिल मूवमेंट ऑफ कलर विल गेट द स्टूडेंट्स अटेंशन बोल रहे हैं. आप कुछ उनको विजुअल दिखाओ, मतलब स्क्रीन में दिखाओ, आप उनको दर्शाओ कि ये चीज कैसे होती है, कुछ मूवमेंट करके बताओ, कुछ कलर्स उसमें ऐड करो. तो इससे क्या होता है, स्टूडेंट्स का ध्यान और ज्यादा आकर्षित होता है, केंद्रित रहता है. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग टू डैश इज दैट लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस स्पोकन फास्ट आर सिंपली टू डिफिकल्ट
फॉर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड बोल रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है जो कि नोट किया जाना चाहिए वो ये है कि लंबे कॉम्प्लिकेटेड यानी कि जटिल जो सेंटेंसेस होते हैं जिनको कोई टीचर बहुत फास्ट अगर बोलता है तो वो भी बच्चों को समझने में परेशानी होती है। इट इज देयरफॉर डैश टू यूज शॉर्ट सेंटेंसेस दैट मेक सेंस टू देम इंस्टेंटली। इसीलिए प्रेफर किया जाना चाहिए कि छोटे सेंटेंसेस यूज किए जाएं जो कि उनको इंस्टेंटली समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए फर्स्ट है। सो इट इज डैश पर्टिकुलरली फॉर अ टीचर। तो क्या है पर्टिकुलरली? इम्पॉर्टेंट, अर्जेंट, इमटीरियल, अननेसेसरी फिट नहीं होता। टीचर के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो ये चीज समझे कि स्टूडेंट्स ने उनके अलावा भी तीन चार टीचर्स की बात सुनी है। तो टीचर को ये रियलाइज करना चाहिए कि स्टूडेंट आपसे पहले भी तीन चार टीचर्स से पढ़ चुका है, राइट? सो बिफोर यू इज करेक्ट। आपसे पहले तीन चार टीचर से पढ़ चुका है तो आपको नए कुछ टेक्निक्स इस्तेमाल करने चाहिए जिससे आपकी बात उस स्टूडेंट के दिमाग में रह जाए। सो द टीचर मस्ट हैव प्रॉप्स लाइक नोट्स, हैंड आउट्स एंड स्लाइड्स दैट विल मेक द लर्निंग मटीरियल स्टे अलाइव, डिपार्ट अलाइव, गो अलाइव, कम अलाइव। तो क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन डी, कम अलाइव, वो जीवंत हो जाए और उसी तरीके से बच्चे के साथ में, बच्चे के दिमाग में रहें। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग टू गेस इज दैट, टू डिटेक्ट इज दैट, टू रियलाइज, यहाँ पे रियलाइजेशन की बात है ना, तो टू रियलाइज इज दैट क्या होगा दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज कि लंबे कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस अगर तेजी से बोले जाएं तो भी बच्चे उनको नहीं समझ पाते। सो ऑप्शन सी रियलाइज इज करेक्ट। इट इज देयरफॉर डैश टू यूज शॉर्ट सेंटेंसेस दैट मेक सेंस टू देम इंस्टेंटली। तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है। सो इट इज देयरफॉर एडवाइजेबल, उनको सलाह दी जाती है कि आप शॉर्ट स्टेटमेंट्स में, शॉर्ट सेंटेंसेस में बोलो जिससे कि बात भी क्लियर हो जाए और टुकड़े टुकड़े करके उन चीज़ों को बोलो जिससे बच्चे को समझने में आसानी हो। आपने देखा है ना कभी स्कूल में जब टीचर्स आपको आंसर लिखवा रहे होते थे तो वो थोड़ा थोड़ा ब्रेक कर करके बोलते थे उसको ताकि आपको लिखने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। ऑप्शन बी एडवाइजेबल इज करेक्ट। कंपल्सरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है और वर्जित भी नहीं है। कंपल्सरी और मैंडेटरी मतलब कि जरूरी नहीं है, ठीक है, अनिवार्य भी नहीं है, और प्रोहिबिटेड मतलब वर्जित भी नहीं है, बट एडवाइजेबल है यानी कि एडवाइस दी जाती है उनको। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग, और अपनी जो बेसिक्स हैं ग्रामर के, बिकॉज आप मेंस की तरह तैयारी कर रहे हैं, आप प्री दे चुके हैं, ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस जो क्वालिफाई कर चुके हैं और इस लिस्ट में बना चुके हैं अपना नाम, उनको हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अपने बेसिक्स क्लियर करो, क्लियर रखो, और जितना हो सके उतना मॉक टेस्ट वगैरह प्रैक्टिस करो क्योंकि अब टाइम बहुत थोड़ा रह गया है। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।